महिला हॉकी विश्व कप में भारत को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है। टीम ने मंगलवार को पूल बी में चीन के खिलाफ लगातार दूसरा ड्रॉ खेला। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड से भी ड्रॉ खेला था। भारत को अपना आखिरी मुकाबला गुरुवार को न्यूजीलैंड के साथ खेलना है। टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम के खिलाफ चीन की जेंग ज्याली ने 26वें मिनट पे गोल दागा। भारत के लिए बराबरी का गोल 45वें मिनट में वंदना कटारिया ने किया। आपको बता दें कि पहले दो क्वार्टर में भारत का पलड़ा भारी रहा और उसने कई मौके भी बनाए लेकिन गोल में नहीं बदल सके। दूसरी ओर चीनी खिलाड़ियों ने जवाबी हमले बोलकर भारतीय डिफेंस में सेंध लगाई। 90वें मिनट में नवनीत कौर ने गोल पर पहला हमला बोला जिसे चीनी गोलकीपर लियू पिंग ने बचा लिया। भारत 23वें मिनट में गोल करने के करीब पहुंचा लेकिन गेंद गोल पोस्ट से टकरा गई। रीबाउंड पर ज्योतिका ने गोल किया लेकिन रेफरल के बाद उसे अमान्य करार किया गया। भारत को इसके तुरंत बाद पेनल्टी कॉर्नर मिला जो बेकार गया। हाफ टाइम तक चीन ने एक गोल की बढ़त बना ली थी। दूसरे हाफ में भारत को 42वें मिनट में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन वो भी गोल में तब्दील ना हो सके। अंत में मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अपना अगला मैच जीत पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।